हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शन के बारे में जाना था, लेकिन अब हम आज एक नए फंक्शन इमेज लुकअप फंक्शन को कैसे क्रिएट किया जाता है वो जानेंगे। यहाँ पर हमें सामने बॉलीवुड एक्ट्रेस के नेम और उसके सामने उनके फ़ोटोज़ दिए गए हैं, और मुझे यहाँ पर बॉलीवुड एक्ट्रेस के ये ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने क्रिएट किया है। तो मैं भी जो भी नेम सिलेक्ट करूँगा उसके सामने उनका फ़ोटो आ जाना चाहिए, ऐसा मुझे क्रिएट करना है। तो उसको हम बोलते हैं इमेज लुकअप फंक्शन। तो मैं पहले क्या करूँगा, जिस बॉक्स पर हमें फ़ोटो चाहिए वो सिलेक्ट करूँगा, फिर फॉर्मूलास में जाऊँगा, उसके बाद नेम मैनेजर में जाऊँगा और न्यू नेम क्रिएट करूँगा। वहाँ पर मैंने नेम देता हूँ फ़ोटोज़, और जो रिफर्स टू बॉक्स है उसमें मैं फॉर्मूला टाइप करूँगा इज इक्वल टू इंडेक्स, फिर कॉमा में जिस फ़ोटो की रेंज सिलेक्ट करूँगा मैं, फिर कॉमा करके मैच टाइप करूँगा MATCH, फिर दूसरे कॉमे में जिस नेम को मुझे सिलेक्ट करना है वो टाइप करूँगा, फिर सभी नेम के लिस्ट को मैं टाइप करूँगा, और मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो 0 टाइप करूँगा, और फिर दोनों ही कॉमा कंप्लीट करके ओके प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर नेम मैनेजर में ये एक आईडी क्रिएट हो जाएगा, और फिर क्लोज करके पहले फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, उसको कॉपी करना है, और उसके बाद होम में जाके पेस्ट फंक्शन में एज ए पिक्चर, लेकिन हमने कहाँ पर पेस्ट करना है वो सिलेक्ट नहीं करा, तो हमने सिलेक्ट करेंगे, फिर पेस्ट में जाके एज ए पिक्चर पेस्ट पिक्चर लिंक, और उस पिक्चर को हम जिस साइड में चाहिए उस साइड में हम बड़ा कर देंगे। और यहाँ पर इज इक्वल टू करके जो लिंक का है वहाँ पर हम अपना जो फोटोज़ वाला आईडी बनाया है वो यहाँ पर डबल क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। अभी हम जब भी जो भी नाम सिलेक्ट करेंगे वहाँ उस एक्ट्रेस का फोटोज़ आया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दीपिका पादुकोण सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर दीपिका पादुकोण का फ़ोटोज़ आ गया। इस तरह अनुष्का शर्मा, तो अनुष्का शर्मा का फ़ोटोज़ आ गया। इस तरह विद्या बालन आप देख सकते हो। तो इस तरह हम ड्रॉप डाउन फंक्शन का यूज़ और इमेज लुकअप फंक्शन का यूज़ करके इमेज को लुकअप, कितने भी इमेज है उसमें से जो इमेज चाहिए उसको लुकअप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।